दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे आप लोग भी। सो फ्रेंड्स, मिलेगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग के लिए। आज मैं बात करूं यामाहा XSR 155 के बारे में। यस, काफी ज्यादा ह्यूमर्स फैला हुआ है इंटरनेट पे प्लस यूट्यूब चैनल पे। काफी लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि 2019 एंड तक ये लॉन्च हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में इसकी सच्चाई क्या है? क्या ये इंडिया में लॉन्च होगी? क्या रहेगा स्पेसिफिकेशन? अगर लॉन्च भी होती तो क्या रहेगा प्राइसिंग? सारी चीज बताऊंगा इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आखिर तक वीडियो देखिए, बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मेरा नाम है रूपम और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल दैट इज रूपम ब्लॉग्स। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, रेड कलर का, उसको जैसे क्लिक करेंगे वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना ना भूलिए, कोई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। सो फ्रेंड, हम वेस्ट नहीं करते टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर मैं बात करूं यामाहा XSR 155 की, तो ये एक्चुअली पूरा का पूरा जो डिजाइन लिया गया वो MT-15 से लिया गया, लेकिन इसका जो लुक दिया गया है वो दिया गया है रेट्रो लुक। फ्रंट अगर हेडलाइट देखेंगे तो राउंड शेप में आता है, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन भी राउंड आता है, फ्लैट सीट आती है, ये ड्रॉप शेप आपको इसका फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। तो मतलब फैसिलिटी तो भरपूर है इस गाड़ी में। और इसका जो हार्ट है, एक्चुअल में जो इंजन है, वो लिया गया MT-155 का, और बोले तो यामाहा R15 का लिया गया है इस गाड़ी में। और डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छी है, बहुत लोग को ये रेट्रो लुक बहुत पसंद आएगा। और इस गाड़ी की अगर मैं क्या बात करूँ, इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है फ्रंट में LED हेडलाइट, वो भी राउंड हेडलाइट। साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो गाड़ी का इंजन आपको पूरा का पूरा R15 वर्जन 3 जैसा दिखेगा, प्लस आपको इंजन गार्ड देखने को मिलता है, टैंक भी काफ़ी मस्कुलर देखने को मिलता है, फैट सीट देखने को मिलती है विद रबराइज्ड आपको फील होगा। प्लस अगर मैं बैक एंड की बात करूँ, बोले तो रियर एंड की बात करूँ, तो आपको राउंड टेल लाइट मिलता है, वो भी बहुत क्लासिक देखने को मिलता है। जो इसका हैंडल बार है वो पूरा आपको वन पीस मिलता है, जिसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो आपको पूरा का पूरा राउंड मिलता है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन, तो इंजन स्पेसिफिकेशन अगेन मैं इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं है, वही आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर SOS इंजन मिलता है, और ये VVA टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि पावरफुट निकालता है 19.3 BHP का पावरफुट। और जो टॉर्क आपको इसमें देखने मिलता है 14.8 न्यूटन का टॉर्क, और इसमें लगा हुआ है 6-speed गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच भी है इस गाड़ी में। मैं दूसरे फीचर्स की बात करूं तो इसमें देखने को मिलता है आपको अपसाइड डाउन फॉग, फ्रंट में पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर। अगर मैं ब्रेकिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक मिलेगा। और अगर मैं टायर की बात करूं तो टायर थोड़े अलग देखने को मिलते हैं इस गाड़ी में आपको। इसमें बटन टायर्स मिलते हैं, ऑफ रोड प्लस ऑन रोड ट्रैक टाइप का आपको इसमें रबरिश मिलेगा। फ्रंट टायर आपको वे 110/70 का मिलेगा, और पीछे वाला टायर 140/70 का रियर टायर मिलेगा, और 17 इंच के अलॉय व्हील्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। बात करें गाड़ी की एक्चुअल में सच्चाई क्या है, ये तो मैं बता दी, इसका डिजाइन और ये गाड़ी के स्पेसिफिकेशन क्या है। आप सच्चाई ये है कि ये गाड़ी लॉन्च हुई है थाईलैंड में, ना कि इंडिया में, और लोग बोल रहे हैं कि ये लॉन्च होगी 2019 इंडिया में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में लॉन्च होने में काफी टाइम है, इस गाड़ी को अभी लॉन्च नहीं होगी। हो सकता है शायद 2020 के ऑटो एक्सपो में ये देखने को मिले, लेकिन लॉन्च तो अभी नहीं हो रही। अगर ऑटो एक्सपो में देखने को मिलता है, डैट मीन्स नेक्स्ट ईयर जून जुलाई तक आएगी, उससे पहले की कोई आशंका नहीं है इस गाड़ी से। डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा है, मेरे को भी बहुत पसंद है गाड़ी, रेट्रो लुक। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, अभी थाईलैंड की प्राइसिंग की बात करूँ, तो थाईलैंड में ये ऑलमोस्ट 2.01 लाख में लॉन्च हुई है। अगर इंडिया में आती है तो शायद इसका प्राइस MT-15 से कम हो सकता है, दैट मीन्स 1.40 लाख तक होना चाहिए इसका प्राइस। और अगर मैं बात करूँ इंडियन स्पेक्स की, तो इसमें वही होगा जो MT-15 के साथ हुआ था, अपसाइड डाउन फॉग नहीं होगा, रेगुलर टेलीस्कोपिक फोग होगा फॉर श्योर, ये तो होगा ही होगा। कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट यामाहा XSR 155? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना। और इस बाइक से रिलेटेड कोई भी सवाल सुझाव या कुछ भी हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर जो हैंडलर है इस पर फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पर मैसेज करिए, विदिन 24 आवर्स, विदिन 48 आवर्स मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा अगर आपने मैसेज किया है तो। और आप बताइए आपकी क्या राय है इस बाइक से रिलेटेड, मैं बिल्कुल आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। टिल देन, बाय एंड चाओ।